नमस्कार दोस्तों, नेपाली रशियन आर्मी के वैगनर ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, ये न्यूज आप तक जरूर पहुंची होगी। बीबीसी ने अपनी पड़ताल में पाया कि कई नेपाली युवक इसी तरह रूस की सेना में भर्ती हो गए हैं। कुछ युवा उच्च शिक्षा के लिए रूस गए थे। कई नेपाली युवक साथ ही साथ रिटायर्ड गोरखा सैनिकों की भी वैगनर ग्रुप को ज्वाइन करने की पुष्टि हुई है, लेकिन इन नेपालीज की जान काफी खतरे में है, वो भी इन वैगनर ग्रुप की ही वजह से, क्योंकि ये वैगनर ग्रुप कहीं ना कहीं रशियन प्रेसिडेंट के खिलाफ ही चले गए। ये पूरी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, जिसके साथ नेपाली भी जुड़े हैं, और वीडियो में हम आगे जानेंगे कि ये क्या चीजें हैं जो कि नेपालियों के लिए खतरा है। दोस्तों, अभी जो नजारा आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये रशिया के साउथ वेस्ट का एक शहर है जो कि है रोस्तोव, और इस शहर के मिलिट्री लॉजिस्टिक सेंटर्स को घेर लिया गया है। साथ ही साथ इस शहर में ब्लॉकेड भी था। तो आखिरकार ये हालात क्या थे और यहाँ पर नेपाली कैसे जुड़े हैं इन हालातों से, और इन सारी घटनाओं से नेपाली गवर्नमेंट काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि नेपाली गवर्नमेंट इसमें कुछ कर नहीं पा रही है। पर गवर्नमेंट ने कहा कि इन चीजों को लेकर उनके पास कोई भी डेटा नहीं है। एक तरफ बीबीसी की रिपोर्ट ये कंफर्म करती है कि नेपाली यूथ जो कि स्टूडेंट वीजा पर आए थे, वो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर चुके हैं रशिया की वैगनर ग्रुप, और इसमें वर्किंग वीजा वाले भी शामिल हैं। तो इन नेपाली साथ ही साथ विदेशी लोगों का रशिया के इन वैगनर ग्रुप्स को ज्वाइन करने के पीछे आखिर रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पर रशिया में इन चीजों को लेकर लॉ को चेंज किया गया, साथ साथ एक अट्रैक्शन भी बनाया गया जिसके चलते रशिया को ये सारे ही लोग हेल्प करें, और यहाँ पर कई सारे पर्क्स और कई सारे ऑफर रखे गए, जिसके बाद ये यूथ कहीं ना कहीं फिसल के रशियन आर्मी के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट में लड़ने को तैयार हो गए, जिनकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे। पर क्या आखिर नेपाली गवर्नमेंट इस पर कुछ एक्शन ले पाएगी, और रशिया क्यों ले रहा है फॉरनर्स को अपनी आर्मी में? साथ ही जानेंगे कि नेपाली आखिर क्यों ज्वाइन कर रहे हैं वैगनर ग्रुप्स को, और क्या नेपाली इन स्थितियों को कुछ चेंज कर पाएंगे, और क्या है वो खतरनाक हालात जो कि वैगनर ग्रुप्स को लेकर है, जिसके चलते नेपालियों की जान भी खतरे में। साथ ही साथ जो हालात बने रशिया में, उससे दुनिया पर क्या असर पड़ने वाले। तो ये फुटेज साफ करती है कि रशिया की वैगनर ग्रुप ने रशिया के मिलिट्री के लॉजिस्टिक सेंटर को साथ साथ एक शहर को अपने कब्जे में ले लिया था, और उन्होंने ये भी मैसेज दिया कि वो मॉस्को तक की मार्च करने वाले हैं। तो आखिर ये क्या चल रहा था रशिया में, और ये वैगनर ग्रुप है क्या? दोस्तों, वैगनर ग्रुप रशिया की एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, जिसके मालिक रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के एक सपोर्टर है, जिनका नाम है प्रिगोजिन। ये मिलिट्री अभी तक की रशिया के साथ दो हफ्ते पहले तक की यूक्रेन युद्ध में लड़ रही थी, और बीते हफ्ते के फ्राइडे को एक वीडियो आती है जिसमें प्रिगोजिन रशिया की आर्मी के खिलाफ बोल रहे होते हैं। У нас нехватка боеприпасов 70%. Шойгу, Герасимов, где боеприпас? जिसको लेकर रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन को भी एक अग्रेसिव मैसेज रिलीज करना पड़ता है। All those who deliberately chose the path of treachery, who prepared an armed mutiny, who chose the path of blackmail and terrorist methods will face inevitable punishment. तो क्या रशिया में गृह युद्ध जैसे हालात थे, और कौन है ये प्रिगोजिन साथ साथ ये वैगनर ग्रुप? तो ये प्रिगोजिन पहले रोड साइड पर बर्गर बेचते थे, और उसके बाद इन्होंने होटल भी चलाए, और उसके बाद वो गवर्नमेंट के शेफ बन गए, और पुतिन के लिए वो शेफ का काम करते थे, और उनकी एक इमेज भी आप लोग देख सकते हैं जो कि पुतिन के साथ है। तो आखिरकार ये शेफ प्रिगोजिन एक आर्मी का लीडर कैसे बन गया, साथ ही साथ ये पुतिन और रशियन मिलिट्री के खिलाफ क्यों इतना बोल रहा है, और वैगनर ग्रुप की कमान प्रिगोजिन के पास है, और इस वैगनर ग्रुप में कई नेपाली भी शामिल और कई सारे विदेशी सैनिक भी शामिल है। दोस्तों, प्रिगोजिन का नाम इससे पहले 2014 में निकल के आने लगा, जब रशिया के कुछ सेपरेटिस्ट यूक्रेन के रीजन में घुस जाते हैं और वहां पर मिलिट्री में इंटरेस्ट दिखाने लगते हैं प्रिगोजिन, और पता चलने लगा वैगनर ग्रुप साथ साथ प्रिगोजिन के लिंक के बारे में, और ये पुतिन के शेफ से धीरे धीरे आर्मी में इन्वॉल्व होने लगे। दोस्तों, फरवरी में रशिया यूक्रेन के बीच में वॉर चल रही थी, रशिया को कुछ रिजल्ट भी नहीं मिल रहे थे, साथ ही साथ आदमी भी कम पड़ रहे थे, तो रशिया ने इन वैगनर ग्रुप्स को लड़ाई लड़ने के लिए बुलाया, और अभी से कुछ महीनों पहले हमने देखा कि प्रिगोजिन जाते हैं रशिया की जेल्स में, और वहां पर क्रिमिनल्स के साथ इंटरेक्शन करते हैं कि अगर वो लोग रशिया के साथ लड़ेंगे तो उनकी सारी सजा माफ कर दी जाएगी, और उन्होंने करीबन हजारों की तादाद में उन क्रिमिनल्स को छुड़ाया और उनको युद्ध में लेके आए। He said to have towards 17 prisons and is recruiting 1000 criminals. और ये हजारों की तादाद में क्रिमिनल्स भी लड़ रहे थे वैगनर ग्रुप्स के साथ, और देखा जाए तो कई सारे विदेशी साथ साथ नेपाली इसी वैगनर ग्रुप में ही थे, जहां पर इतने सारे क्रिमिनल्स भी लड़ाई को लड़ रहे थे। तो क्या इन नेपालियों का इन वैगनर ग्रुप्स को ज्वाइन करना सही था या नहीं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कि क्या है ये वैगनर ग्रुप्स और कैसे नेपालियों की जान खतरे में। दोस्तों, जब ये वैगनर ग्रुप बना था तब इसको काफी सीक्रेट रखा जाता था, और इसको रशिया की एक इंटेलिजेंस सर्विस की तरह देखा जाता था, लेकिन धीरे धीरे इनमें कई सारे चेंजेस देखने को मिले,
और 2022 में एक बड़ा चेंज देखने को मिला, जिसमें इन वैगनर ग्रुप्स को एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के नाम पर रजिस्टर कराया गया। और इसका काम था रशियन आर्मी से पैसे लेना और उनके लिए कुछ काम करके देना जो कि रशियन हितों को जोड़ेगा। साथ ही इन वैगनर ग्रुप्स को रशियन डिफेंस की तरफ से ट्रेनिंग दी जाती थी और सारे ही इक्विपमेंट भी रशियन डिफेंस ही देती थी। और इनका इन्वॉल्वमेंट सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं था, 2018 में सीरिया में भी अमेरिका के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी थी और कई और देश में इनका इन्वॉल्वमेंट देखा गया, जैसे कि माली, लीबिया और बहुत सारे देश में, क्योंकि ये रशिया के हितों के लिए दूसरे देश भी जाते थे। कई देश रशिया की परमिशन के साथ इन वैगनर ग्रुप्स को एज अ सिक्योरिटी भी लेती थी और कई और कामों के लिए भी, जैसे कि सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के लिए यहाँ पर ये लॉगिंग का काम करते थे कुछ हेक्टेयर ऑफ लैंड पर भी, जिससे ये वैगनर ग्रुप फायदा कमाता था और उनके लिए काम करता था, उनको भी कमीशन मिलता था। 2022 में वैगनर ग्रुप्स के प्राइवेट मिलिट्री कंपनी के फॉर्म में रजिस्टर होने के बाद इन्होंने काफी सारे एडवर्टीजमेंट शुरू किए, कई सारे वीडियो पोस्ट और पोस्टर निकाले गए जिससे लोगों को यहां पर अट्रैक्ट किया जाए वैगनर ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए। पोस्टर नाउ इट वाज स्पॉटेड इन द रशियन सिटी ऑफ येकाटेरिनबर्ग। और ऐसा देखने को भी मिला, कई विदेशी लोगों ने भी वैगनर ग्रुप्स को ज्वाइन किया, जिसमें नेपाली स्टूडेंट वीजा पर आए हुए लोग भी थे और वर्किंग वीजा पर भी आए हुए लोगों ने वैगनर ग्रुप्स को ज्वाइन किया, क्योंकि लोग काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे थे इनके एडवर्टीजमेंट से, साथ ही साथ इनके पर्क्स से, यानी कि इनमें जो सुविधाएं दी जा रही थी। और यही रीजन था कि नेपालीज ने भी इनको ज्वाइन किया, क्योंकि यहाँ पर सबसे अच्छा पर्क था कि यहाँ पर बहुत सारे पैसे मिल रहे थे, एक अच्छी सैलरी मिल रही थी। नेपाली रुपीस में बात करें तो 3 से 3.5 लाख रुपए पर मंथ की यहाँ पर सैलरी मिल रही थी। साथ ही साथ जो दूसरा पर्क था कि जो भी विदेशी है वो अगर ज्वाइन करते हैं तो उनकी 1 साल की सर्विस के बाद उनको रशिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। तीसरा पर्क ये भी था कि उनको फैमिली के साथ रशिया में सेटल होने के लिए भी आराम होगी। और इन आर्थिक तंगी की वजह से ही इन लोगों ने ज्वाइन भी किया, जो कहीं ना कहीं सही नहीं है, क्योंकि नेपालीज को इस लड़ाई से कुछ भी लेना देना नहीं है। और रशिया यूक्रेन वॉर में नेपाल की सरकार कहीं ना कहीं यूक्रेन की तरफ ज़्यादा दिखी, क्योंकि नेपाल कभी नहीं चाहता कि एक छोटे देश पर एक बड़ा देश, पावरफुल देश अटैक करके उसको ले। और नेपाल की सरकार ने कई बार बोला कि इस युद्ध को रोक देना चाहिए क्योंकि इसमें लोगों की जान जा रही है। तो वहीं अब दूसरी ओर नेपाली यूथ ही रशिया के साथ ज्वाइन करके इस युद्ध में रशिया का सपोर्ट कर रहे हैं। नेपाल इतनी रशिया का सपोर्ट नहीं करता इस वॉर को लेकर, साथ ही साथ बहुत सारे देश हैं जो कि इस पर न्यूट्रल स्टैंड रखते हैं या फिर सपोर्ट नहीं करते हैं रशिया का। पर यहाँ पर एक अलग सिनेरियो देखने को मिल रहा है जिस पर नेपाल की गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने आप ही ज्वाइन कर रहे हैं रशिया की वैगनर ग्रुप्स को, और नेपाल की सरकार के पास भी इस पे कोई डेटा नहीं है। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट्स ने इसकी पुष्टि की थी, क्योंकि कई सारे नेपाली अकाउंट्स पर यहाँ पर वीडियोस देखने को मिली कि वैगनर ग्रुप्स को नेपाली लोगों ने ज्वाइन किया, जिसकी पुष्टि बीबीसी ने की और पाया कि करीबन दर्जन भर से भी ज़्यादा लोगों ने यहाँ पर उसको ज्वाइन किया। लेकिन यहाँ पर कोई क्लियर नंबर नहीं है कि कितने लोगों ने ज्वाइन किया है। अपनी सेना को मजबूत करने के लिए रूस बाहरी लोगों का दिल खोल कर स्वागत कर रहा है। इन तमाम कोशिशों का असर नेपाल के कई ऐसे युवाओं पर देखने को मिला जो काम की तलाश में या पढ़ाई के लिए रूस गए थे। नेपाल में बेहद गरीबी में जी रहे ऐसे युवाओं ने रूस की सेना में भर्ती होना बेहतर समझा। तो ये थे वैगनर ग्रुप्स। लेकिन अभी जो हमने हाल में वीडियोस देखी थी कि रशिया के वैगनर ग्रुप्स ही रशिया के शहर रोस्तोव को घेर के रखे हैं और वहां पर ब्लॉकेड करके रखे हैं, तो आखिर ये सब मामला था क्या? दोस्तों, ये सब स्टार्ट हुआ 23 जून को, जब वैगनर ग्रुप्स के लीडर प्रिगोजिन सामने आए और उन्होंने बताया कि रशियन मिलिट्री हमारे ही सैनिकों को मौत के घाट उतार रही है, हमारे सैनिकों को मार रही है, साथ साथ रशियन आर्मी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दे रही है, हथियार नहीं दे रही है, बुलेट्स नहीं दे रही है। और इन सब चीज़ों को लेकर प्रिगोजिन का एक वीडियो जारी होता है जो कि वैगनर के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप पर रिलीज होता है, जिसमें वो इन सब चीज़ों के लिए रशियन आर्मी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। Prigozhin posted another message blaming the Russian military for carrying out an alleged attack against his troops, killing, quote, a huge amount of his own forces in Ukraine. और ये सब यहीं पर नहीं रुका। रशिया की इन वैगनर ग्रुप्स ने रशिया के इस शहर रोस्तोव को अपने कब्जे में ले लिया, ब्लॉकेट कर दिया और रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री साथ ही साथ टॉप जनरल्स को बुलाने की बात की, उनसे बात करने की बात की। और साथ साथ अगर ये टॉप जनरल नहीं मिलते तो ये मार्च जाने वाली थी रशिया की कैपिटल मॉस्को तक। Now his forces were going to cross into Russia, calling it the March of Justice. Под контролем военные объекты Ростова в том числе. और ये मार्च शुरू भी हो गई थी, जिसमें वैगनर ग्रुप से कई सारे सोल्जर्स मार्च कर रहे थे रशिया के शहर मॉस्को तक। तो ये काफी बड़ा मैटर बन गया था और इसे पूरी रशिया डिफेंस मिनिस्ट्री
हिल गई थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ गृह युद्ध जैसे हालात बन रहे थे और प्रिगोजिन अपने सैनिकों के साथ रशिया के कैपिटल मॉस्को से मात्र 200 किलोमीटर दूर थे। ये मैटर तो सॉल्व हो गया था, पर क्या सच में रशिया की आर्मी इन वैगनर ग्रुप्स के सैनिकों को मार रही थी, क्योंकि इसमें नेपाली भी शामिल है और विदेशी लोग भी शामिल थे। तो इसकी स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग, लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों जून 2022 तक रशिया की यूक्रेन में घुसपैठ मानो थम सी गई थी, क्योंकि रशिया के पास यहाँ पर फाइटर्स कम पड़ रहे थे, आर्मी मैन कम पड़ रहे थे, और तभी इन वैगनर ग्रुप्स को इस लड़ाई में इन्वॉल्व किया गया, लाया गया। लेकिन उसके बाद सितंबर तक की रशिया की हालत और ज्यादा खराब हो गई इस युद्ध में। तो अब सवाल उठने लगा वैगनर ग्रुप्स के ऊपर कि क्या इन वैगनर ग्रुप्स की वजह से ये हालात खराब हुए, क्योंकि खार्किव में यूक्रेन स्ट्रांग हो गया था। तो कहीं ना कहीं तब रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री दो भागों में बट गई थी, एक लोग जो वैगनर ग्रुप्स को सपोर्ट करते थे और दूसरे टाइप के लोग जो कि वैगनर ग्रुप्स को सपोर्ट नहीं करते थे। इसमें से सॉर्विकिन वो लीडर थे जो कि वैगनर ग्रुप्स का काफी सपोर्ट करते थे, और गेरासिमोव वो लीडर थे जो कि वैगनर ग्रुप्स का अपोज करते थे। अक्टूबर 2022 में रशिया की मिलिट्री की लीडरशिप में चेंजेस हुए और सॉर्विकिन को रशिया के मिलिट्री चीफ के तौर पर चुन लिया गया, उनको बना दिया गया। और इस पर वैगनर ग्रुप के लीडर प्रिगोजिन काफी ज्यादा खुश थे, क्योंकि सॉर्विकिन कहीं ना कहीं वैगनर ग्रुप्स को काफी ज्यादा सपोर्ट करते थे। और उसके बाद वैगनर ग्रुप्स ने कई अचीवमेंट भी की यूक्रेन वॉर में। यहाँ पर इसके बाद रशियन मिलिट्री ग्रुप्स में और वैगनर ग्रुप्स में काफी अच्छा कोलैबोरेशन देखने को मिला, और अनुमान लगाया जाने लगा कि इन वैगनर ग्रुप्स के साथ अब रशिया बहुत जल्द कुछ दिनों में इस वॉर को जीत जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और रशियन सरकार में इन वैगनर ग्रुप्स को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे और इनकी पॉपुलैरिटी सरकार में कम होने लगी, और रशियन मिलिट्री में एक बार फिर से बदलाव हुए, जहां पर सॉर्विकिन को हटा दिया गया और गेरासिमोव को बनाया गया नया जनरल, जिसके बाद वैगनर ग्रुप के प्रिगोजिन को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि गेरासिमोव वैगनर ग्रुप्स के अगेंस्ट थे। और धीरे धीरे रशियन मिलिट्री और इन वैगनर ग्रुप्स के बीच में खटास देखने को मिलने लगी, और जिसके बाद प्रिगोजिन रशियन मिलिट्री को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी करने लगे कि उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है। और बीच में यहाँ पर वॉशिंगटन पोस्ट से एक खबर भी निकल के आती है कि वैगनर ग्रुप्स ने रशियन मिलिट्री के कई पोस्ट की पोजीशंस को लीक कर दिया है। और ऐसा हो भी सकता था नहीं भी, क्योंकि यहाँ पर वैगनर ग्रुप्स में बहुत सारे क्रिमिनल्स भी इन्वॉल्व थे, तो वो ऐसा कर भी सकते थे। वहीं ये यूक्रेन की एक चाल भी हो सकती थी इन वैगनर ग्रुप्स को रशिया के साथ अलग करने की, पर इस पर कोई भी क्लियरिटी नहीं थी, क्योंकि प्रिगोजिन ने इसको सिरे से खारिज कर दिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा टेंस हो गई थी, और कहीं यही कारण तो नहीं बना कि यहाँ पर रशियन मिलिट्री ने वैगनर ग्रुप्स को मारा भी। मई 2023 में प्रिगोजिन ने काफ़ी और स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिए रशियन आर्मी के खिलाफ, और यहाँ पर रशियन मिलिट्री को धमकी भी दी कि अपना बिहेवियर चेंज करो, नहीं तो हमने यूक्रेन में जो पोजीशंस लिए उनसे हम वापस हट जाएंगे। टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि वैगनर ग्रुप ने यह भी कह दिया था कि हम रशियन मिलिट्री से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अभी आगे साइन नहीं करेंगे, और साथ ही उन्होंने रशियन शहर रोस्तोव में ब्लॉकेट तो कर ही दिया था और मार्च निकालने की धमकी दी थी मॉस्को तक, जो कि उन्होंने शुरू भी कर दी थी। और उसके बाद मॉस्को से 200 किलोमीटर पहले ही उन मार्च को ख़त्म किया गया उनसे बात करके, और इस बात में बेलारूस के डिक्टेटर अलेक्जेंडर को भी शामिल होना पड़ा, जिससे इस कॉन्फ्लिक्ट को ख़त्म करने में मदद की, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन भी बेलारूस के डिक्टेटर अलेक्जेंडर की हेल्प कर चुके हैं कई बार सत्ता में बना रहने के लिए, और यहाँ पर अलेक्जेंडर ने मदद की यहाँ पर वैगनर ग्रुप्स को रोकने में। और उसके बाद प्रिगोजिन वहाँ से बेलारूस चले गए और सारे ही वैगनर ग्रुप्स को अपनी पोस्ट पर वापस जाना पड़ा। हालांकि इस मैटर को शांत तो कर दिया गया था, लेकिन आगे क्या होगा ये भी नहीं पता था, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुकी थी, और इस घटना को लेकर कहीं ना कहीं बहुत अलग अलग धारणाएं। कई इंटेलेक्चुअल ये मानते हैं कि यहाँ पर बेलारूस से अटैक करने के लिए यूक्रेन पर ऐसी रणनीति लगाई गई है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को अभी तक नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर कुछ का ये भी मानना है कि ये पॉलिटिकल गेन के लिए पुतिन ने करवाया है कुछ, लेकिन ये भी चीज़ें सही नहीं लगती कि पुतिन ऐसा क्यों करवाएंगे। तो ये पूरी कॉन्फ्लिक्ट थी जो कि यहाँ पर देखने को मिली वैगनर ग्रुप्स में और रशियन आर्मी में, जो अपने आप में आमने सामने आ चुके थे, और इसीलिए नेपालियों और वहाँ पर जो काम कर रहे थे उनके लिए काफ़ी खतरा है। सो इस कॉन्फ्लिक्ट से ये तो पता चला कि रशियन सरकार जितना क्लेम करती है कि उसका रशिया पर कितना ज़्यादा कंट्रोल है, वो तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखने को मिला कि किस तरीके से एक शहर को अपने अंडर में ले लिया गया, साथ ही साथ मिलिट्री मार्च निकल ली जो कि मॉस्को तक आने ही वाली थी। तो इसे रशियन प्राइम मिनिस्टर पुतिन की स्ट्रेंथ पर काफ़ी बड़ा सवाल खड़ा होता है, और उनकी जो स्ट्रांग इमेज थी उस पर कहीं ना कहीं एक दाग जरूर लगता है, क्योंकि यहाँ पर पुतिन भी कुछ नहीं कर पाए इस सिचुएशन को रोकने के लिए।
साथ साथ इस पर रशियन पॉलिटिकल साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पर रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल जरूर खड़े होते हैं। और यहाँ पर यह भी चीज़ निकल के आती कि हर कोई इस वॉर से खुश नहीं है, क्योंकि यहाँ से पहले जब भी पुतिन के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए रशिया में तो पुतिन हमेशा से उसको कहते हैं कि वेस्टर्न का प्लांट प्रोटेस्ट है। लेकिन यहाँ पर पुतिन इस चीज़ पर कुछ बोल ही नहीं सकते क्योंकि ये उनकी ही कंट्रोल में आर्मी के साथ किया गया है। और ये सिनेरियो अगर आगे बढ़ता है और ऐसा चीज़ें आगे देखने को मिलती है तो यहाँ पर एक पावर हसल, पावर स्ट्रगल देखने को ज़रूर मिल सकता है रशिया में, जिससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी पर फ़र्क ज़रूर पड़ सकता है। और अगर डिस्टेबिलिटी होती है तो यहाँ पर असर ज़रूर पड़ने वाला उन देशों पर जो कि रशिया के बड़े अलाय हैं, जैसे कि इंडिया और कई और देश। तो ये था रशिया के वैगनर ग्रुप्स का पूरा मैटर, जहाँ पर नेपाली भी इन्वॉल्व हैं इस वैगनर ग्रुप में और दुनिया के कई और देशों के सैनिक भी इन्वॉल्व हैं, लोग भी इन्वॉल्व हैं। तो ये लोगों की जान के लिए खतरा बन सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरनल मैटर चल रहा है, क्योंकि पता नहीं कि इंटरनली इस मैटर को किस तरीके से शांत किया गया है। तो यहाँ पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नेपालीज को क्या यहाँ पर रशिया का सपोर्ट करना चाहिए और इन वैगनर ग्रुप्स को ज्वाइन कर ही रहना चाहिए या फिर नहीं। अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, थोड़ा भी अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली तक शेयर कीजिएगा, ताकि ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आप सभी तक पहुँचते रहे। धन्यवाद NI News।